He proposed to me, सोचो. It was with a boy, so I do want to like mention this. और मैंने तो पाँच बार गाली भी खाई लोगों से कि stop calling us, blah blah. I used to not get period for like 2-3 months and parents भी गलत हो सकते हैं. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. Finally, मैं ये Q&A video बैठ के film कर ही रही हूँ after procrastinating this for over a month, guys. Yes. And आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़ कि मेरी ना Q&A video film करने से पता नहीं क्यों फटती बहुत है. मतलब ऐसा लगता है कि एग्जाम होने वाला है, एग्जाम चल रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे घबराहट और डर लगने लगता है. और जब मैं ऐसे दूसरे क्रिएटर्स यूट्यूबर्स को देखती हूँ ये Q&A वीडियो ऐसे सीमलेसली फिल्म करते हुए, दे जस्ट नो व्हाट टू से, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, आई ऑलवेज गेट अमेज्ड बाय देम. लाइक दे जस्ट नो लाइक हाउ फास्ट देयर माइंड वर्क्स. आई मीन क्वेश्चन पूछा, आंसर पता है उनको, और मेरे साथ ऐसा नहीं होता है. ठीक है, एनीवे आज मैं बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ उठी. मैंने क्वेश्चंस चेक किए जो मैंने इस यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे एंड आई फाइनली थॉट ऑफ आंसरिंग दिस. ओके, हैव माय फोन विद मी. इसका कवर यहाँ से मैंने तोड़ दिया है. एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय फूड ऑब्सेस्ड गर्ल, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड. और मुझे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस इतने ज्यादा आए ना, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, शादी के प्लान्स क्या है तुम्हारे. आई थिंक दिस ईयर टर्न 30 ना, तो ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा मेरी तरफ आ रहा है. एनीवे, टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर ये सवाल मेरी तरफ 2 साल पहले आता कि शालिनी कब शादी कर रहे हो, तो मैं कहती कि अभी मेरा माइंडसेट है ही नहीं शादी को लेके. आई वॉन्ट टू अचीव लाइक फ्यू गोल्स इन माई लाइफ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वॉन्टेड टू लाइक be financially independent, मैं अपने पैसे खुद कमाऊँ, खुद खर्च करूँ. 2 साल पहले ऐसा नहीं था यार. आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. आई वॉज अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब बट नॉट अ लॉट ऑफ मनी दैट आई कुड से दैट ओ आई एम लाइक स्टेबल. खर्च भी कर सकती हूँ, बचा भी सकती हूँ. बट अभी आई फील लाइक टच वुड, मैं अभी बेड को टच कर रही हूँ, दैट आई एम क्वाइट फाइनेंशियली स्टेबल. सो या वो चीज़ सॉर्टेड है. सेकेंडली, फिजिकली और मेंटली भी मैं बिल्कुल ही उस माइंड सेट में थी नहीं, मैरिज मेरे दिमाग में था नहीं. बट इस साल फॉर द पास्ट लाइक 6-7 months आई हैव बीन kind of getting into that state, you know, खुद को prepare करना शुरू कर रही हूँ मैं. और काफ़ी हद तक I would say like 50% I'm there that yeah, I do want to get married. And इसके अलावा like there are other factors which are involved, you know. हम कह तो देते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, but बहुत कुछ होता है यार. लड़का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए. No, honestly speaking, it will be a shocker to my family, especially my parents, because I've not discussed this thing with them at all, कि मैं शादी करना चाहती हूँ और सोच रही हूँ उसके बारे में. बट ऑब्वियसली नॉट इन द नियर फ्यूचर, इट्स गोना टेक लाइक 2-3 years मोर टू बी फाइनली अश्योर्ड अबाउट इट. और मुझे लगता है कि जितना टाइम आपको लेना है आप ले सकते हो, इट्स योर लाइफ. और मैं तो दोबारा शादी नहीं करना चाहती. मैं एक शादी करूँगी, एक बार शादी करूँगी, उसी पर्सन से करूँगी जिसको मैं चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, एंड इवेंचुअली स्पेंडिंग द एंटायर लाइफ विद दैट पर्सन, यू नो, गेटिंग ओल्ड विद दैट पर्सन. आई वॉन्ट दैट. टू सम अप द आंसर टू दिस क्वेश्चन, येस, आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड. इट्स गोना हैपन विद इन लाइक 2-3 years. जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब कुछ व्लॉग करूंगी, आप लोग को सब पता चलेगा. डोंट यू वरी गाइस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम संजना महांती. आर यू शिफ्टिंग टू भुवनेश्वर फ्रॉम MP? काफी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या आप MP छोड़ रहे हो, क्या आप भुवनेश्वर शिफ्ट हो जाओगे, ऑल दैट. आई नो वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम. 1 महीने पहले मैं भुवनेश्वर गई थी. आई वॉज देयर फॉर लाइक 12 days ऑलमोस्ट. एंड एक आधी व्लॉग में मैंने मेंशन किया था अबाउट बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. भुवनेश्वर में एक प्लॉट है वहाँ पे, तो अभी वो बन रहा है, बनना शुरू हुआ है. काफ़ी समय लगेगा उसको बनने में, आई थिंक मोर देन अ ईयर. अभी तो फाउंडेशन बिल्ड हुआ है उसका जाके. सो उस पर्पज़ के लिए मेरे डैड अभी वहाँ पे हैं. 3 महीने से वो वहीं पे थे, फिर वी जॉइंड हिम. वी वर देयर फॉर लाइक 2 weeks विथ हिम एंड देन वी लेफ्ट मॉम. मॉम इज़ देयर विथ हिम फॉर ओवर अ मंथ नाउ. सो बेसिकली घर के लिए वहाँ पे मॉम डैड रुके हुए हैं. जब घर बन जाएगा then probably mom dad are gonna shift there. But अगर मैं अपनी बात करूँ ना, I don't see myself shifting completely to Bhubaneswar. Obviously that is gonna be home also. Back and forth करती रहूंगी, जहां भी होंगी वहां से back and forth करती रहूंगी. अभी तो मुझे पता भी नेक्स्ट 6 months में मैं कहाँ होंगी. राजलक्ष्मी पत्रा इज आस्किंग हाउ मच फ्लुएंट आर यू इन उड़िया. नॉट एट ऑल आई एम फ्लुएंट इन उड़िया. आई कैन अंडरस्टैंड इट प्रिटी वेल. आई मीन 95% आई एम देयर. आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बट
उड़िया स्लैंग्स अभी भी ऐसे सीखा नहीं है, वो भी सीखना अभी बचा हुआ है. जैसे हिंदी लैंग्वेज के साथ क्या होता है, मध्य प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट सिटी में हिंदी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा. यू नो, ऐसे कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलना शुरू कर देते लोग हिंदी को, वैसे ही उड़िया के साथ होता है. जैसा उड़िया लोग भुवनेश्वर में बोलते हैं वैसा मेरे गाँव में नहीं बोलते, थोड़ा सा डिफरेंट है वो. तो आई डोंट हैव लाइक अ प्रॉपर उड़िया एक्सेंट इफ यू वांट टू से दैट, एंड आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन उड़िया, बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट एंड टॉक इन उड़िया. ओके, शिविका शर्मा व्लॉग्स ने दो क्वेश्चन पूछे हैं. पहला सवाल, व्हाट इज अ यूट्यूब इनकम पर मंथ. सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी कर चुकी हूँ. यूट्यूब से मेरा इनकम तीन तरीके से होता है. पहला, गूगल एडसेंस से जो कमाई होती है जो कि यूट्यूब की प्रॉपर मनी होती है वो. दूसरा, जो ब्रांड कोलैब्स आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं उससे. तीसरा, जो एफिलिएट लिंक्स जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आप लिंक क्लिक करते हो ना, कुछ ब्रांड के होते हैं कुछ मेरे खुद के होते हैं, तो उसके थ्रू भी कमाई होती है. स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट लिंक को अगर मैं हटा दूं तो सिर्फ यूट्यूब गूगल एडसेंस से मैंने जो लास्ट मंथ कमाया था ना, वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी. आप देख सकते हो डॉलर में है ये, यू कैन कन्वर्ट इट इन INR. सो दिस अमाउंट मनी कीप्स ऑन चेंजिंग. और गूगल एडसेंस का जो पैसा होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो एड प्ले होता है ना हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे, उस एड का कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज रेवेन्यू हम लोग को क्रिएटर्स को मिलता है. उनका दूसरा सवाल है, हाउ डू वी स्टार्ट अ करियर इन यूट्यूब. वेल, टू आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ फास्ट फॉर्म कॉन्टेंट और शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, क्योंकि अभी यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ चुका है जहाँ पे आप 60 सेकंड के अंदर वीडियो फिल्म करके शूट करके पोस्ट कर सकते हो. यू ऑल्सो वॉन्ट डिसाइड ऑन कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी आपको चूज करना है. देयर इज एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, एंटरटेनमेंट, व्लॉग्स भी पोस्ट कर सकते हो. यू कैन हैव लाइक मिक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑन योर चैनल, बट आई डू फील लाइक कि तीन से ज्यादा कैटेगरी मत पिक करना स्टार्टिंग में, बिकॉज बहुत ही ज्यादा हॉचपॉच हो जाता है चैनल पे. यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. यू नो, काफी चैनल्स ने शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट से शुरू किया है और उन्होंने ग्रोथ देखा अपने चैनल पे, ग्रोथ मिल जाएगी आपको, एंगेजमेंट मिल जाएगा. उसके बाद यू कैन लाइक स्विच टू लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट बोथ. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ऐप फॉर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, आई डू हैव अ ऐप रिकमेंडेशन. दिस इज इन शॉर्ट, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाई देम. दिस इज अ ऐप दैट आई फ्रीक्वेंटली यूज टू एडिट माई शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, माई यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन माई चैनल. प्रीटी बेसिक टूल्स इट हैज. इसके अलावा डिफरेंट एप्स आई यूज टू एडिट माई यूट्यूब शॉर्ट्स, बट दिस इज अ प्रीटी बेसिक एंड गुड ऐप दैट आई कैन रिकमेंड. सो या, दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल. आई मीन, इन डिटेल तो मैं आपको अभी नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई विल नीड लाइक अ फुल ऑन वीडियो ऑन इट. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, पता भी होगा तो बहुत पहले मैंने कभी आंसर किया था ये क्वेश्चन. व्हाट्स योर फर्स्ट जॉब, आर यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम यूट्यूब ओनली. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आर यू शिफ्टेड टू भुवनेश्वर. दिस इज बाय स्लोनी बाय द वे दिस क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन तो आंसर मैंने कर दिया. माय फर्स्ट जॉब वाज इन द ईयर 2016 एंड एट दैट टाइम आई हैड माय यूट्यूब चैनल, बट ऐसा कोई मेजर इनकम नहीं था. मेजर क्या, इनकम ही नहीं था. एंड आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी. वहां पे मैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग सेक्शन में काम करती थी. मेरा कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज पोस्ट नहीं था, सो आई हैड सम एक्सपीरियंस विद यूट्यूब. सो उसकी वजह से उन्होंने मुझे हायर किया था. दे वांटेड टू लाइक यूज माई एक्सपीरियंस टू सी हाउ मच एंड वॉट क्लाइंट आई कैन ब्रिंग टू दैट कंपनी. सो आई हैड टू लाइक ब्रिंग फॉरेन क्लाइंट टू दिस कंपनी. मैं उनसे बात करती थी, मुझे एक लिस्ट ऑफ नंबर ऐसे दिया जाता था, मैं उनसे कॉल करके बात, बेसिकली मेरा कॉल करने का काम था, आप लोग ये कह सकते हो. बिकॉज आई वॉज गुड विथ लाइक इंटरेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग पीपल, सो दे यूज लाइक टेल मी कि कॉल करके उनको बोलो कि आपको वेबसाइट की जरूरत है, आपका ये एंड टू कॉल लाइक एवरीवन एंड एनीवन. और मैंने तो पाछे बात गाली भी खाई लोगों से कि स्टॉप कॉलिंग अस ब्ला ब्ला. एंड माय सैलरी एट दैट पॉइंट वाज लाइक 8,000 to 10,000 रुपीज. मेरी सैलरी कट के भी मुझे आती थी एंड दैट वाज अनदर रीजन दैट आई लेफ्ट द जॉब, क्योंकि बहुत पैसे काट देते थे उन लोग. दिस इज फ्रॉम रीमा सिंह, शी इज आस्किंग अबाउट PCOD. अर्लियर यू सेड इन वन वीडियो दैट यू हैव PCOS और PCOD, व्हाट डू यू डू अबाउट इट, आर यू ऑन मेडिकेशन. They say if we change our lifestyle, it can be cured. Are you doing that? And what are your symptoms of PCOS? So PCOS hota kya hai? PCOD is polycystic ovary disorder or polycystic ovary syndrome. Ye hota hai basically imbalance of hormone. I was diagnosed with PCOD 6 years ago. I think usse pehle se tha mujhe PCOD, but I was diagnosed 6 years ago. Mujhe tab pata chala ki aisa kuch disease hota hai. Tab मैं डॉक्टर के पास गई थी, हार्मोनल डॉक्टर के पास. इनफैक्ट गायनोकोलॉजिस्ट को भी मैंने दिखाया था, तब उन्होंने कुछ मेडिकेशन दिए थे. आई वाज ऑन मेडिकेशन, बट एक साल तक मेडिकेशन लेने के बाद मैंने वो मेडिकेशन लेना बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय लाइफस्टाइल. जैसे कि इन्होंने खुद ने कहा रीमा ने कि यस, लाइफस्टाइल अगर आप इम्प्रूव करोगे, चेंज करोगे, आप PCOD को कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. बट दिस डिजीज इज समथिंग दैट कैन नॉट गो वैनिश फ्रॉम योर बॉडी. दिस इज गोना स्टे इन योर बॉडी. दिस कैन कम बैक. एक बार हो गया आपको, दिस कैन कम बैक.
बैक. सो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कॉमन सिम्टम्स जो मैंने नोटिस किया, एब्डोमेन एरिया में फैट जमा होना, फेशियल हेयर आना जो कि मुझे अभी भी है, आप लोग को तो पता ही, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई फेशियल हेयर, एक्ने काफी ज्यादा होना ऑन योर चीक्स, ऑन योर चिन एज वेल, हेयरफॉल काफी ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन, स्किपिंग योर पीरियड्स एज वेल. आई यूज टू नॉट गेट पीरियड फॉर लाइक 2-3 months एंड आई यूज टू बी लाइक ठीक है नहीं हो रहा है नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, बट मैंने सोचा है कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद माय बॉडी. सो दीज आर लाइक सिम्टम्स योर बॉडी टेल्स यू, योर बॉडी इज लाइक प्रीटी स्मार्ट, यू नो इधर उधर कुछ गड़बड़ है तो इट विल गिव यू सिम्टम्स कि ये हो रहा है. खुद अगर आपने थोड़ा बहुत डायग्नोस कर लिया है ना तो वो जाके अपने डॉक्टर को बता दो, वो प्रॉपर डायग्नोस करके आपको बता देंगे आपको हुआ क्या है. सो नो आई एम नॉट ऑन मेडिकेशन एंड आई एम नेवर गोना टेक मेडिकेशन रिगार्डिंग दिस एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. दिस क्वेश्चन इज बाय प्रिया विवेकानंद. योर वेट मुझे सच में नहीं पता, आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई चेक माई वेट, सो आई कांट आंसर दिस. ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में चेक नहीं किया, वेइंग मशीन भी नहीं घर में. हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड इफ यू गेट अ चांस टू पेयर विद हिम विल यू डू? माई ऑल टाइम फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर. मैंने सावरिया देखी थी तब से आई एम लाइक फैन ऑफ हिम एंड इट्स ओके इफ ही इज मैरिड, आई डोंट केयर. He's my favorite actor. Sonali Singh. So was there any time that you felt frustrated over body shamed about being a brown individual and how did you deal with it? I love how confident and well versed you are about your skincare. I try to follow you as much as I can. So sweet, Sonali. So yes, there has been many phases, you know, कुछ ऐसे flashback जैसे याद आ जाते हैं मुझे, कुछ ऐसे trigger हो जाते हैं. One event that happened with me, it was with a boy, so I do wanna like mention this because I like vividly remember this, बहुत अच्छे से याद है मुझे. When I was in first year of college, there was this guy, he used to like me a lot. वो मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत time बाद दोबारा मुझसे वो मिला था, मेरे school या मेरे college में नहीं था, वो भोपाल से भी नहीं था. So he used to like me, all right, and he came to Bhopal to meet me and he proposed to me, सोचो. And I said no to him because I used to think him as a friend. And first year, I had no PCOD, nothing. I was just a simple brown girl. Cut to after college khatam ho chuka tha, 4 saal nikal gaye. And after college, I was looking for like job and everything. I think I was doing that job also. I think 2016 ki baad hai, 2015. I don't remember the year anyway. He comes back to Bhopal and tells me that, oh, I mean, Bhopal, want to meet and all that. I was like, why not? You're my good friend. I want to meet you. So it's me and him only. Hum log gaye restaurant mein. I had braces also at that time. I had like a lot of acne all over my face, on my chin as well. And at that time, I had gained weight as well. My abdomen area was big. I was big. My face was puffy. All that. When he greeted me, he said nothing to me. But when we sat down in the table to have the dinner, he just said to me on my face, ki tu to moti ho gayi hai. Acha hua tune mujhe reject kar diya. And I felt so bad. I feel like, wow, like it's so easy for people to like say such harsh things on your face. I mean, wow. I was not a confident girl, let me tell you, because I was going through a lot of stress about not having a job, what to do with my life, you know, existential crisis bhi tab chal raha tha, pata nahi bahut kuch, and this then happened. So it's this kind of incidents na stays with you and it just sometimes haunts you, sometimes motivates you to like change yourself. I don't know. So yeah, this happened and that was the day. Today is the day I don't talk to that person at all. I was like, I don't need this kind of negativity in my life. You know, जब आपके साथ ऐसा होता है ना, whether it's your friends or family, relatives, जाने अनजाने कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, first of all, tell them they are wrong, you know, and ignore them. With parents, you can make them understand, I feel. क्योंकि यार पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते एंड पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, बट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड. बट इफ फ्रेंड सर्कल, नो नो नो, यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ. सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल. यू नो, आपके आसपास से, आपके सर्कल से बहुत फर्क पड़ता है. अदर गाइस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना आंसर एंड दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. आई रियली होप आपको आज का वीडियो देखने में मजा आया होगा, थोड़ा बहुत मेरी लाइफ के बारे में और पता चला होगा. यू नो, आई फील लाइक ऐसे वीडियोस करने से ना मैं आप लोग के साथ और अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ. सो या दैट्स दैट. ऐसे मैंने वीडियो और करेंगे, थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाती है जैसे जैसे क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू कर देती हूँ मैं. सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो, तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.